मेरे प्यारे बहन भाई मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं फेरी फोर्ट एक्सिट सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, इस नुमा पर जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको एनीमिया की कमी है तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को ले सकते हो। या खून ना बनता हो, आप फल फ्रूट खा के थक चुके हो, आपका खून नहीं बनना है, तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को ले सकते हो। या भूख ना लगती हो, खाना खाते हो और भूख ना लगती हो, तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को ले सकते हो। या प्रेग्नेंट महिला का खून बनाने में, या प्रेग्नेंट के बाद खून की कमी, प्रोसेशन में खून की कमी आ जाती है, तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को ले सकते हो। यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनमें ज़्यादातर खून की कमी होती है, तो दोस्तों आप उसमें भी सिरप को ले सकते हो। या कमजोरी सी महसूस होती हो तो दोस्तों आप इसमें भी इसको ले सकते हो। या लेटने के बाद उठने में आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है, यानी कि जब आप लेटते हो और सुबह को उठते हो आपकी आँखों के आगे अंधेरा आ गया है, तो दोस्तों आप ऐसी कमी में भी इस सिरप को ले सकते हो। या फिर दोस्तों पीरियड के समय, यानी कि जिन लेडीज़ के नियमित पीरियड होते हैं, तो दोस्तों आप उसमें भी इस सिरप को ले सकते हो। या फिर आपके वजन की कमी हो रही हो, यानी वेट गेन नहीं हो रहा हो, तो दोस्तों आप उसमें भी इस सिरप को ले सकते हो। या दुबला पतला सा आप अपने आप को महसूस करते हो, इस दिक्कत में भी इस सिरप को ले सकते हो। या आपके गाल पिचके हुए से है आपको कोई या आपके गाल पिचके हुए से है आप दूसरों के सामने या आपके गाल पिचके हुए से है आप दूसरों के सामने या आपके गाल पिचके हुए से है आप दूसरों के सामने जाने से शर्माते हो, तो आप उसमें भी तो दोस्तों आप इस समस्या में भी आप इसको ले सकते हो। या आपका चिड़ा चिड़ा मन रहता हो, आपके चिड़ा चिड़ापन हो तो दोस्तों आप इस सिरप को इसमें भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन B12 की कमी, हाथ पैर में या फिर आपको दोस्तों विटामिन B12 की कमी है तो आप उसमें भी या दोस्तों आपको विटामिन B12 की कमी है आप इसमें भी ले सकते हो। या हाथ पैर में जलन, बॉडी गर्म होना, इसमें इस दिक्कत में भी आप इसको ले सकते हो। या पाइल में जो खून निकलता है, यानी कि बवासीर में जो खून निकलता है, इसमें भी आप इसको ले सकते हो। या पेट के छाले में कमी हो, या पेट में छाले हो, इसमें भी ले सकते हो। या अन्य खून की कमी हो तो दोस्तों आप उस या अन्य खून की कमी हो तो दोस्तों आप इन दिक्कतों में इसे भी ले सकते हो। दोस्तों अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये 15 दोस्तों अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों आपको ये 15 ml लेना है दिन में एक बार, या दो बार, तीन बार भी ले सकते हो। वो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी तबीयत कितनी ख़राब है। दोस्तों अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कि इसकी कोई खास कर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, मुंह में सूखापन, स्टॉल का कहना, ब्लैक, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यानी कि आपके पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, स्लीपिंग भी हो सकता है, यानी कि नींद भी आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों मैंने इस सिरप के यूज़ करने का तरीका आपको बताया, इसका नुकसान बताया, इसे कब लेना चाहिए और किन को लेना चाहिए, इसके डोज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको इससे भी कुछ हटकर मेरे से
इससे हटकर मेरे से कुछ पूछना है तो दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका कमेंट में अनुभव से यानी कि विस्तार के रूप में आपको जवाब दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों थी फेरी फोर टेक्स्ट टी सिर्फ की फुल फॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।